हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र सिंह तोमर और मैं डेली की तरह आज भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो पार्ट 6 रहेगा। दोस्तों, इसमें जीके जीएस करंट अफेयर एंड अदर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, तो आप को ये एग्ज़ाम में काफ़ी सहायक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपके लिए अपने प्रश्नों को शुरू करने से पहले आपसे एक बात बोलना चाहते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो आपको उस पर जाकर क्लिक करना है और साथ ही साथ बेल आइकन के लिए भी ऑन कर लेना है। ठीक है, तो हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इससे आपको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम अपने शुरू करते हैं। तुम्हारा प्रथम प्रश्न हो जाएगा, प्रथम प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सी ग्रंथि अश्रु श्रावण करती है? तो लोकिमल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में होता है? तो ये तपेदिक हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध क्षेत्र स्थित है तो कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, टोडरमल संबंधित था तो किससे संबंधित था? तो ये भू राजस्व सुधार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो बताइए कौन सा कर नहीं लगाया जाता है केंद्र सरकार द्वारा? तो व्यवसाय कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर आएगा इसका राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 368। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संसद के सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल हो सकता है? तो 6 माह का। चलिए नेक्स्ट, बंकियार कुत्थू एक अत्यधिक प्रभावी नृत्य है, तो कहाँ का है? ये केरल का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो की लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत में सोना कहाँ पर पाया जाता है? तो ये कोलार कर्नाटक की हट्टी खानों में। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट, योजना आयोग का प्रथम चेयरमैन कौन था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है? तो वस्तुओं के उत्पादन पर। राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं के उत्पादन पर। चलिए नेक्स्ट, भारतीय वित्त वर्ष किस दिनांक को प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल को होता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग प्रदर्शित करता है, क्या करता है प्रदर्शित, तो ये करता है वीरता और बलिदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पक्ष से संबंधित हैं, तो बताइए ये शेयर बाजार से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर किसके अध्ययन के लिए भेजा गया, तो ये मंगल ग्रह के लिए भेजा गया है। चलिए नेक्स्ट, रक्षा बलों का सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास रहता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा, माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन के लेखक कौन हैं, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों को 12 अक्टूबर 2013 को प्रभावित करने वाले चक्रवात का नाम क्या था, तो ये फेलेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच का शीर्ष बालक सम्मान इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस पीस प्राइज किसे दिया गया था, तो ये मलाला यूसुफ जई के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का प्रथम विशिष्ट रक्षा उपग्रह 30 अगस्त 2013 को फ्रेंच गुयाना के कोरू स्पेस पोर्ट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, इसका नाम क्या है, तो बताइए क्या है, तो G-SAT-7 इसका राइट आंसर है, G-SAT-SAT और ये 7, ये इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत का केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसने स्वयं के नागरिकों पर रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया, तो बताइए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सीरिया, यहाँ के नागरिकों पर रासायनिक हथियार का प्रयोग किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन राहत संबंधित है, तो कहाँ से है, उत्तराखंड में बचाव कार्रवाई से। चलिए नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर तियाने 2 किस देश से संबंधित है, तो ये चीन से हो जाएगा राइट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा दोस्तों, अंतिम 3 क्वेश्चन है, वीडियो को जरूर देखिएगा और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा इस नाम से जाना जाता है नेपाल में, माउंट एवरेस्ट के लिए सागर माथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म पान सिंह तोमर के निर्देशक कौन है, तो तिगमांशु धोलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, डाटा स्थानांतरण दर मापी जाती है, तो किलोबाइट्स प्रति मिनट में। तो दोस्तों ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे,
30 क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था पार्ट 6 में। इसका 7 पार्ट भी है और आगे आने वाले बहुत पार्ट आपके लिए अपलोड किए गए हैं, तो आप इन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, जो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी सफलता दिलाने में सहायक रहेंगे। तो हमारी वीडियो के लिए अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के लिए भी ऑन कर लें, हमारी वीडियो के लिए लाइक भी कर दें अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक है दोस्तों, तुम खुश रहिए और हमारी वीडियो का इंतज़ार करिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो डालता हूँ दोस्तों। तो बड़ी तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।